अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल मेरा देखा होगा कि उसमें मैंने आप लिखा, आप लोगों को बताया है, जारी बताया है कि आप किस तरह अपना यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं सिंपल सी ऐप से। ठीक है, तो इस ऐप से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। मतलब आप पॉलिटिकल पोस्टर बना सकते हैं, इसके अलावा महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बना सकते हैं, इसके अलावा ठीक है आप दुकान या किसी शॉप का जो कार्ड है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, बहुत अच्छी ऐप है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ जो आपको बता दूं, जो आप में प्यारी सी उर्दू है, ठीक है, इसमें वो भी है। उर्दू के बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल में मौजूद हैं। ठीक है, तो सिर्फ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के लिए थंबनेल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी HD में। ठीक ये है, देखें, ठीक है, तो इसमें जो है ना फुल HD, ये देखिए कितना वाजन नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत अच्छा है ये आपके थंबनेल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे तो हम आ चुके हैं फैनली मोबाइल की स्क्रीन पर, तो ये सामने आपको ऐप नज़र आ रही होगी, उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है, आपने यहाँ ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, इजी है। ठीक है, अगर आप इसको ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होगा कुछ, और ज़्यादा मज़ीद मतलब जो है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना फंक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इस टाइम ऑफलाइन कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना न्यू डिज़ाइन पर। तो ये देखें, इसमें काफ़ी सारे हैं। ठीक है, टोटल सोशल मीडिया A to Z जितने भी है ना, तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का पोस्टर बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है YouTube थंबनेल पर। जब आप YouTube थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो फ़िलहाल जो इसका बैकग्राउंड है ये वाइट है, तो आपने क्या करना है कि अब आपने अपने जो है ना थंबनेल की शुरुआत कर देनी है। अगर आप चाहें तो अपनी पिक्चर भी पहले ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपने पिक्चर ऐड करने, ऐड न्यू पर जाएँ, तो गैलरी पिक से एक अपनी पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो एक पिक्चर है जो मैंने उसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ कि वो कैसे लगानी है। आपको पता ही है जिस तरह मतलब जो है ना तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह रिमूव करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास है, ये तस्वीर ऐड हो गई है। अब मैंने इसको ये देखें यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं मतलब लिखना क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना वॉलपेपर डाउनलोड करके रखे हैं गूगल से। ठीक है, गूगल से मैंने डाउनलोड कर रखे हैं क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये देखें, ब्लैक, वाइट, ब्लू, येलो जो भी हैं। या मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्लैक को सेट करने के बाद इसको मज़ीद जो है ना क्रॉप कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, तो इसको लेके जाता हूँ ये सामने। ठीक है, तो अब क्या है इसके ऊपर अब लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं ऐड टेक्स्ट पे लिखता हूँ, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है थंबनेल। थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब तो कोई भी चीज़ अपना लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है। अब आप इसको क्या करते हैं, इसको जो ये फ़ॉन्ट्स है ना वो मज़ीद इससे अच्छे कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स पे आपने क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे जो लिस्ट है ना, एक फ़ॉन्ट्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, उर्दू की और इंग्लिश की भी। ठीक है, तो अगर न्यू आपने को डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इंग्लिश, ये उर्दू, आपने उर्दू पे सेलेक्ट कर देना है। तो ये फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, जमील नूरी, तो इसको आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए ये चेंज हो गया, बहुत प्यारा हो गया। अब इसका आपने कलर कर लेना है। कलर जो है ना, कलर क्या इसका करेंगे, कलर जो है इसका वाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो वाइट इसके ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, एक और चीज़ जो है ना, एक और जो सेकंड लाइन है उसको भी रेडी करते हैं। तो इस सेकंड लाइन पे ये कर लेते हैं ब्लू वाला। अब इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं। ये मैंने क्रॉप कर लिया। अब इस पे लिख देते हैं, ये कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी YouTube के लिए, सॉरी, YouTube वीडियो के लिए। ठीक है, तो ऐड टू पेपर करें, तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको इसका जो कलर है ना जिसमें वाज़ा नज़र आएगा वो वाइट नज़र आएगा।
ठीक है। अब क्या करना, अब इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो उर्दू पे जाते हैं, ये ले, ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो है ना मज़ीद आप इसको वाज़ा करने के लिए, ये देखें इसमें ये शेडो है डुप्लीकेट, मज़ीद जो कलर्स हैं ना, आप यहाँ से अगर आप इसमें ये जो वर्ड्स लिखे हुए इसमें स्पेस करना चाहते हैं तो ये देखें ये वर्ड स्पेस है, आपने प्लस पे क्लिक करना है तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट मेरी ठीक है, मैं चेंज नहीं करता, अगर आपको ये एडजस्टमेंट कम हो तो आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें मज़ीद जो है ना ये देखें इसको वाजे कर लेते हैं, इसका कोई कलर है कोई भी तो ये ब्लैक कर लिया, ठीक है। अब मज़ीद इसको वाजे करने के लिए क्या करना है, ये देखें ठीक है। तो ये देखें ये रैंडम पे क्लिक कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये रैंडम लिखा हुआ तो इससे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो ये कलर है ये चेंज कर सकते हैं। मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया कि ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड इसका जो है यूट्यूब वीडियो के लिए, या मैंने थंबनेल कैसे बनाई, ये वर्ड्स लिखे इसके जो बैकग्राउंड पे मैंने बैकग्राउंड दिया है ब्लैक और ब्लू इस तरह की जो पट्टी, इसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ अपने किस तरह करने हैं, ठीक है। गैलरी पिक पे जाना है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो इसमें ये रेड को कर लेता हूँ, ठीक है, रेड को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, करने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा करते हैं। अब आपने इसके इसका जो स्टाइल है ना ये देखें, ये देखें ये चीज़ है, ये देखें स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा मतलब ये देखें, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। इसमें जो है ना मतलब काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो है ना वो आप कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, तो इस तरह आप इसके ऊपर इस तरह की मतलब पट्टी बना के आप लिखेंगे तो मतलब जो ये वाला स्टाइल है मज़ीद अच्छा लगेगा, ठीक है। इस पर भी कुछ लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं उर्दू, उर्दू हिंदी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं HD, ठीक है, एड टू पेपर कर देते हैं, ये देखें ओके हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसमें कुछ गैप अगर मतलब करना हो तो याद रहे कि जब जब आप लिखेंगे वहाँ पे जितना भी आप स्पेस डालेंगे वो स्पेस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से आपने स्पेस करना है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस यहाँ से आपको करना पड़ेगा, देखना वर्ड स्पेस यहाँ पे आप करेंगे इसको तो देख लें इतना, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने इसको यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये चीज़ सेंटर से आपने इसको बड़ा कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। तो सॉरी हिंदी HD, ठीक है, तो एड टू पेपर कर लिया, ये देखिए। अब आपने इसको भी चलो वाइट ही करना होगा क्योंकि इस कलर पे ये भी वाइट ही अच्छा लगेगा। अब आपने इसका फ़ॉन्ट जो है ना ये उर्दू में कर लें, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने इसको सेव कर लेना है, ये देखिए कितना प्यारा बन जाएगा। लेकिन मैंने जल्दी में किया था कि वीडियो लंबी ना हो, तो मज़ीद आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, इसमें आगे जाएं तो यहाँ पे कितने मतलब ये बॉर्डर है, पेज का बॉर्डर है, स्पेशल टैक्स आपको मिलेंगे, तो शेप्स मिल जाएगी, स्टिकर मिल जाएंगे, मतलब आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप इसको ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपने सेव कैसे करना है, अब यहाँ यहाँ पे क्लिक करना है तो ये सेव हो गया।